तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप का लेयर पैनल, और लेयर पैनल फोटोशॉप का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यू समझ लीजिए कि अगर लेयर पैनल सीख लिया तो समझ लीजिए फोटोशॉप सीख लिया। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइज मेरा नाम है इस्तखार हुसैन और आप मुझे हुसैन सर भी कह सकते हैं। तो गाइज आइए शुरू करते हैं और खोलते हैं फोटोशॉप। तो स्टार्ट पे जाते हैं और लिखते हैं फोटोशॉप और CC 2019 खोल रहा हूँ। तो देखिए फोटोशॉप खुल गई और देखिए जो मैंने रिसेंटली फोटोज इस्तेमाल किए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज जो 7x5 इंच और 300 रेजोल्यूशन के साथ है वो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद देखिए नई फाइल मेरे पास यहाँ मुझे मिल जाती है। मैं कंट्रोल 0 दबाता हूँ और देखिए ये मिल जाती है। तो जैसे ही हम नई फाइल लेते हैं या फिर कोई फाइल ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेयर पैनल में देखिए एक लेयर बैकग्राउंड बनकर आती है। देखिए ये बैकग्राउंड बनकर आई। तो सबसे पहले तो अब ये समझ लें कि अगर ये लेयर पैनल यहाँ पर ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो ये लेयर पैनल है, मैं इसको ड्रैग करके ऐसे यहाँ पर लाता हूँ देखिए, और इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, तो देखिए ये क्या हुआ, लेयर पैनल यहाँ से गायब हो गया। तो अब हम इस लेयर पैनल को कैसे लेकर आएंगे, तो अब हम चलते हैं देखिए विंडो में, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर मिलता है देखो लेयर्स। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे लेयर्स पे तो देखो लेयर पैनल खुल जाएगा, या फिर आप F7 दबा दें। F7 जैसे आप F7 दबाएंगे तो देखो ये लेयर पैनल खुल जाएगा। अब इस लेयर पैनल को पकड़ के ऐसे ड्रैग करके आप यहाँ रख सकते हैं देखो इस तरह से, और ये लेयर पैनल को इसे शुरू में ले आइए इस तरफ, तो देखिए लेयर पैनल आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका वर्क स्पेस ही गड़बड़ हो गया है, जैसे कि मान लीजिए ये लेयर पैनल यहाँ पर है या नहीं है मान लीजिए लेयर पैनल, या फिर ये जो टूल बॉक्स है ये नहीं है यहाँ पर, या ये जो पूरा का पूरा जो पैनल है कलर पैनल वो गायब है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जाते हैं देखिए विंडो में, और विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस में देखो एसेंशियल है डिफॉल्ट, और ये एसेंशियल यहाँ पर आप रीसेट एसेंशियल कर दीजिए। जैसे रीसेट एसेंशियल करेंगे तो देखो ये खुल जाएगा। तो देखो ये जो लर्न है इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, तो इस पर डबल क्लिक करके इसको हम क्लोज कर देते हैं कोलैप्स, और देखो यहाँ से इसको पकड़कर थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ तक नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो देखिए वर्क स्पेस के साथ साथ ये हमारा लेयर पैनल भी यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, कोई फाइल ओपन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम फाइल जाते हैं और देखो ओपन करते हैं फाइल में, और हम यहाँ से कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करते ही देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड बन के ये लेयर आ जाती है। अब इस बैकग्राउंड को कैसे खोलना है, इसके कई अलग अलग तरीके हैं, मैं पहले बता भी चुका हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ तो डबल क्लिक करें ऐसे, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा लेयर का नाम, आप कोई भी लेयर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं या फिर लेयर 0 रहने दीजिए, ओके कर दीजिए, देखो ये लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और इसके अलावा देखिए यहाँ चलते हैं, देखो ये जो है ना लॉक वाला, इस लॉक को उठाकर आप यहाँ पर इस पे डिलीट के बटन पे लाकर छोड़ दीजिए, तो देखो ये लेयर बन जाएगी। और अगला ये तरीका है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। तो जैसे आप लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करेंगे तो भी आप यहाँ पर इसे खोल सकते हैं, और इसके अलावा मूव टूल से ड्रैग करके भी आप लेयर बना सकते हैं। देखो कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल लेयर बन जाएगी, लेकिन इससे पोजीशन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसे उठाकर यहाँ रख देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर बैकग्राउंड को लेयर बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, और मैं एक तरीका और बताता हूँ, यहाँ पर आप लेयर पैनल में जाएं, और लेयर पैनल में जाने के बाद देखो यहाँ पर लेयर फ्रॉम, देखो न्यू, और देखो लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड आप कर सकते हैं। जैसे ही लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करेंगे तब ये नाम पूछेगा, और नाम आप दे भी सकते हैं कोई भी, इसे ओके करें तो देखो लेयर बन जाती है। तो कई अलग अलग तरीके से आप लेयर ऐसे बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोई फोटो लेकर आना चाहें तो वो कैसे लेकर आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फाइल में जाते हैं और यहाँ पर देखिए प्लेस एम्बेडेड कर सकते हैं, प्लेस एम्बेडेड। जैसे हम प्लेस एम्बेडेड करेंगे और देखो यहाँ पर कोई भी फोटो लेकर आते हैं ऐसे, तो देखो वो फोटो यहाँ पर आ जाता है, और इसके बाद इसे पास आउट करते हैं या एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पर लेयर बन जाती है। देखिए लेयर जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी, ठीक है। तो इसके लिए जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पर रेस्टराइज लेयर कर देते हैं। देखो यहाँ पर मिलेगा आपको, देखो रेस्टराइज लेयर, रेस्टराइज लेयर करने से क्या होगा, ये नॉर्मल लेयर बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या तरीका है, देखो दूसरी चीज मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद अब क्या करते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं। ओपन, अब जब फाइलों को ओपन करते हैं यहाँ पर मान लीजिए ये फाइल है, देखो ये मैं तीन फाइलें ओपन कर ली ऐसे, और ओपन किया है तो अब देखिए यहाँ पर तीनों फाइलें ओपन हो गई, पहली दूसरी तीसरी, देखो ये फाइलें ओपन हो गई। अब देखो इसको हम यहाँ से कॉपी करके वहां ले जाते हैं, तो इसे कितने तरीके से कॉपी कर सकते हैं, इसको या तो मूव टूल से पकड़ के देखो ऐसे इस तरह से पकड़ के और वहां जाके छोड़े, छोड़े ही ना, और यहाँ जाके ऐसे छोड़ दे, जब वहां से क्लिक करके और होल्ड करके रखें क्लिक को और यहाँ लाके छोड़ दे, देखो ये लेयर बन जाती है, आ जाती है यहाँ पर एज ए लेयर। और अगर हम क्या करें, यहां से कंट्रोल ए दबाएं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, और कंट्रोल सी दबाएं, कंट्रोल सी,
कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, और यहां जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं तो देखो वो भी ये तरीका है, वो भी दूसरी लेयर पे ऑटोमेटिक आ जाती है। देखिए तो देखिए इस तरह से हमने कॉपी तो कर ली, लेकिन यहां पर देखिए ये एरिया बहुत खाली है, यहां पर व्हाइट कलर दिख रहा है। ये जो एरिया है ये है कैनवस का एरिया, ठीक है। अब देखो जो नीचे की लेयर थी, फर्स्ट लेयर जीरो लेयर जो थी, वो लेयर पूरे में व्हाइट ब्लैक व्हाइट कलर फिल कर रही है। हम इसको क्या करते हैं, इसकी आंख को बंद कर देते हैं, मतलब इसकी विजिबिलिटी को बंद कर दे रहे हैं। तो विजिबिलिटी जैसी बंद करी तो देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। और देखो ये जो लेयर्स हैं ये छोटी छोटी लेयर्स हैं, तो अब ये ट्रांसपेरेंट है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट है कैनवस का एरिया, और लेयर छोटी छोटी है। तो देखो यहाँ पर लेयर्स आप कितनी भी ले लें, वो लेयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट। जैसे नई लेयर मैं यहाँ से ले सकता हूँ, देखो न्यू लेयर, मैंने न्यू लेयर ले ली, देखो यहाँ से कितनी भी मैं लेयर ले लूँ ये सब ट्रांसपेरेंट लेयर है। देखो यहाँ से ये सब ट्रांसपेरेंट लेयर है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे पिन्नी रखते हैं एक दूसरे के ऊपर ट्रांसपेरेंट, और ऊपर से देखें तो आर पार दिखाई देता है, तो वैसे ही ये ट्रांसपेरेंट है। हम हर लेयर पर काम भी कर सकते हैं उन लेयर्स पर, और उन लेयर्स की जब तक वैल्यू नहीं होती, जब तक वो उनमें कोई काम नहीं होता, और नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, एम्प्टी लेयर्स है। तो हमने क्या किया इन लेयर्स को, देखो यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबाकर भी आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऐसे डिलीट का बटन दबाया मैंने, डिलीट हो गए। अब देखो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं इनको आप बड़ा करके देखें, कंट्रोल टी दबाकर थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ, देखो ऐसे इस तरह से इसकी भी साइज बड़ा कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ऐसे, और ये साइज बड़ा हो। तो चलिए तीसरी लेयर और ले आते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल टैब दबाकर हम वहां आते हैं, और कंट्रोल वी दबाते हैं, देखो यहाँ पर, और इसको हम कंट्रोल टी दबाकर थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। और इसके बाद देखिए अब मैं लेयर पैनल के ऑप्शंस में चलता हूं, जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेयर पैनल के, वो कैसे काम करते हैं। तो देखो पहला लेयर पैनल का ऑप्शन है डिलीट। अब जैसे ही इस पे कोई भी लेयर सेलेक्ट है आपकी, और उस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर डिलीट कर दें आप, डिलीट का बटन दबाएं, देखो जैसे ही डिलीट का बटन दबाएंगे तो देखो ये क्या होगा, ये पूछेगा कि डिलीट लेयर को डिलीट करना है या नहीं करना, आप करना है तो यस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर न्यू लेयर, आप इस पर क्लिक करके नई लेयर ले सकते हैं, और नई लेयर लेने का शॉर्टकट की भी है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो नई लेयर ले सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आईएमजी इमेज, और देखो यहां पर इसको मैंने ओके किया, देखो आईएमजी नाम से एक नई लेयर बन गई। इसको डिलीट करना है, जैसे डिलीट दबाएंगे डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो वो कोई भी कंफर्मेशन नहीं पूछता कि डिलीट करना है या नहीं करना है, इसलिए बहुत ही हिफाजत के साथ डिलीट करें, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं एक और लेयर लेता हूं, और लेयर ले आता हूं, देखिए यहां पर मैं जो है ये फोटो लेता हूं, ये वाला, ठीक है। ये फोटो लाने के बाद मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी, और देखो यहाँ पर चलकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और ये लेयर जो है तो ज्यादा बड़ी है तो कंट्रोल टी दबाकर इसको हम छोटी कर लेते हैं, देखिए ऐसे छोटी कर लेते हैं और छोटी कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए ये लेयर सबसे ऊपर है, हम इसको मूव करके सबसे नीचे रख देते हैं, देखो इसको मूव करके हमने यहाँ रख दिया, यानी व्हाइट वाली लेयर से ऊपर, और उसके नीचे हम व्हाइट वाली को डिलीट कर देते हैं एक्चुअली। और देखिए यहाँ पर ये वाली जो लेयर है ये सबसे नीचे आ गई, ये लेयर ऊपर हो गए। तो यहाँ पर आप एक बात और देखिए, देखो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं ये पूरे अंटायर डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, मतलब लेयर थोड़ी सी जगह में है लेकिन बाकी का देखो ब्लैंक एरिया शो कर रहा है, ये देखिए पूरा अंटायर डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अगर हम खाली लेयर को पूरे थंबनेल पे शो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन में, लेयर पैनल के ऑप्शन में, और देखो यहाँ पर आपको मिलता है पैनल ऑप्शन, तो पैनल ऑप्शन पे क्लिक करें और देखो यहाँ पर लेयर बाउंड कर दीजिए, ये तो अंटायर डॉक्यूमेंट, और देखो ये है लेयर बाउंड, इसे आप लेयर बाउंड करते हैं और ओके करते हैं, देखो यहाँ पर लेयर्स पूरी पूरे थंबनेल में लेयर ही शो हो रही है कि जो आपकी लेयर है, ठीक है। अब देखो आपको ये लेयर्स समझ में आ गई होगी कौन कौन सी लेयर्स है। अब यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन, यहाँ जाइए नीचे और देखो ये ऑप्शन है न्यू ग्रुप का, ये ग्रुप का मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप क्लिक करते हैं ग्रुप पर तो देखो ये ग्रुप बन जाता है, देखो ये ग्रुप बन गया। अब ये जो ग्रुप है इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने नाम कर दिया जी वूमन, वूमन मैंने नाम चेंज कर दिया। अब देखो एंटर किया मैंने, ये वो नाम हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों लेयर हैं ऊपर, ये तीनों लेयर में इस ग्रुप के अंदर डालना चाहता हूँ, तो देखो क्या करूंगा, लेयर वन को मैंने सेलेक्ट किया और लेयर वन को सेलेक्ट करके ड्रैग करके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ऐसे ग्रुप पर लाकर छोड़ दूंगा। जैसे ग्रुप पे लाकर छोड़ूंगा तो वो लेयर जो थी ग्रुप के अंदर चलेगी, देखिए। तो इसको आप यहाँ से कोलैप्स और एक्सपेंड भी कर सकते हैं ग्रुप को, देखो ऐसे वो लेयर ग्रुप के अंदर चलेगी, या फिर आप दूसरी लेयर आप ऐसे ड्रैग करके डालें तो देखो दूसरी भी चलेगी, देखो ऐसे। तो जितनी लेयर्स को आप चाहते हैं उतनी लेयर्स को सेलेक्ट कर करके ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सारी लेयर सेलेक्ट करके हम ग्रुप में डालें तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं अभी अंडू कर रहा हूँ, देखो ऐसे ये बाहर आ गए। और इसको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट दबा के लास्ट वाली लेयर पे क्लिक करें, तो देखो ये सारी लेयर जो है वो सेलेक्ट होगी। अगर आप एक एक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे क्लिक करें और कंट्रोल दबा लें, कंट्रोल दबा के लेयर्स पे क्लिक करते चले जाए तो एक एक करके लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी।
और इसके बाद इनको ड्रैग करके ऐसे आप डाल सकते हैं, तो सारी लेयर एक साथ इसमें चली जाए। अब एक तो तरीका ये हो गया हमने ड्रैग करके ग्रुप में डाला, अब इसके अलावा और क्या तरीका है। पहली बात तो मैं ग्रुप को डिलीट करना बता रहा हूं, अभी देखो आपको ग्रुप कैसे डिलीट करेंगे, फिर मैं ग्रुप बनाकर दोबारा से और उसमें डालकर बताऊंगा कि किस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो राइट क्लिक करें, यहां पर राइट क्लिक करने के बाद देखो यहां पर मिलेगा डिलीट ग्रुप। जैसे आप डिलीट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा देखो ग्रुप एंड कंटेंट, यानी उसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो इमेजेस हैं, लेयर्स हैं, वो भी डिलीट करनी है या ग्रुप ओनली। तो मैं भी ग्रुप ओनली डिलीट कर रहा हूं। जैसे मैं ग्रुप ओनली डिलीट करूंगा तो मेरी लेयर बच जाती है, अगर मैं कंटेंट के साथ डिलीट करता तो ये भी लेयर भी चली जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों लेयर्स को यहां से जो तीनों लेयर्स हैं इनको सेलेक्ट करता हूं ऐसे, और इसके बाद मैं ग्रुप बनाता हूं। जैसे इस पर ग्रुप पे क्लिक करता हूं तो देखो ये ग्रुप के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक चली जाती है सारी लेयर्स। ठीक है, अब एक तरीका ये हुआ, इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं आपको। तो कंट्रोल जेड दबा रहा हूं, देखो तीनों लेयर सेलेक्ट है। अब तीनों लेयर सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल जी दबा दीजिए। जैसे कंट्रोल जी दबाएंगे तो देखो ये ग्रुप बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये इसका शॉर्टकट है और ग्रुप के अंदर लेयर चली जाएगी। ठीक है, ये इसका फायदा देती है जब हमारे पास बहुत सारे लेयर्स हों और उन लेयर्स में हमें डिफाइन करना हो कि ये एक ग्रुप की है, एक तरह की लेयर्स है, ये एक तरह की लेयर्स है, तब हम ग्रुप बनाते हैं। ऐसे हम ग्रुप नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है अगर कम लेयर है, लेकिन जब बहुत सारे लेयर्स हैं और उनको हमें ग्रुप के हिसाब से डिफाइन करना है कि ये इस ग्रुप की है, इस ग्रुप की, तब हम ग्रुप बनाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं लगती, इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये ग्रुप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है एडजस्टमेंट लेयर। देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट में ले लिया तो देखो यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट मैंने बढ़ाई है तो देखो यहाँ पर सभी उसके नीचे की सभी लेयर पे इफेक्ट डाल रहा है, और अगर आप उसके उसके नीचे वाले लेयर पे इफेक्ट डालना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, इसको मास्क कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं बाद में कभी पूरा एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर का तब समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे डिलीट करके छोड़ दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए अगला ऑप्शन है लेयर मास्क। तो मैं लेयर मास्क का भी एक अपना अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क और वेक्टर मास्क का। तो यहाँ पर लेयर मास्क को मैं एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मुझे इस लेयर में मास्क डालना है, इस लेयर को मुझे इतने एरिया में सिलेक्शन मैंने ये बनाया देखो ऐसे, और ये इतने एरिया में ही ये मुझे इसको इस एरिया को ही रखना है और बाकी को सबको हिडन करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मास्क डाल दूँ तो देखो वो एरिया इतना ही बचेगा। ठीक है, जैसे ये वाली लेयर है देखो यहाँ पर आया, और इसको भी मैं ऐसे देखो ये कर सकता हूँ, देखो इस तरह से किया मैंने और इसमें मैंने लेयर मास्क डाल दिया। तो देखो ऐसे हम लेयर मास्क डाल सकते हैं, जो ब्लैक एरिया है ये हिडन हो जाता है और जो व्हाइट एरिया उसमें शो होता है। तो ज्यादा इसको डिटेल में मैं बाद में अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा तब समझाऊंगा, यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल मास्किंग को ऐसे समझ लें। इसको मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड। और इसके अलावा देखिए ये ऑप्शन है देखो लेयर इफेक्ट। तो लेयर इफेक्ट जो है यहाँ पर आप लेयर के पूरी बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं लेयर में, जैसे आप ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं किसी भी लेयर में। मान लीजिए ये लेयर है मेरे पास, देखिए ये लेयर, और इस लेयर में मैं ड्रॉप शैडो डालना चाहता हूँ तो ड्रॉप शैडो डाल सकता हूँ ऑब्वियसली यहाँ पर। तो ऐसे मैंने इसको खोला और देखो यहाँ पर ड्रॉप शैडो बहुत ज्यादा है, अभी स्प्रेड में कम करता हूँ, देखो ऐसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं और देखो यहाँ साइज कम करते हैं और इसका जो एंगल चेंज करते हैं, देखो इस तरह से हम ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं, ओपेसिटी कम करनी है देखो ऐसे, तो ये ड्रॉप शैडो पड़ जाती है इस तरह से। ओके करें, देखो ड्रॉप शैडो पड़ गई। तो देखिए अभी मैं इस लेयर स्टाइल को पूरा नहीं समझा पाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका भी मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा लेयर स्टाइल का, वहां पर आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लेयर स्टाइल को यहाँ पर डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ से देखो क्लियर लेयर स्टाइल कर दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो लेयर स्टाइल क्लियर हो गया। इसके बाद देखो लिंक लेयर, लिंक में क्या है, देखो ये दो लेयर है, दोनों लेयर को आप सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, दो लेयर सेलेक्ट हो गई। अब दोनों लेयर को इनको आपस में अगर मैं लिंक करा दूं, जैसे मान लीजिए लिंक करा दिया, तो अब क्या होगा कि ये दोनों लेयर एक साथ चलेंगी, मूव भी एक साथ होंगी, और इनको आप कंट्रोल टी दबाकर साइज छोटा बड़ा करें तो भी देखो एक साथ आप कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे से लिंक हो गई। तो ऐसे आप कितनी भी लेयर लिंक कर सकते हैं, एक से ज्यादा कितनी भी लेयर हो उनको आप सेलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं, वो एक साथ चलेंगी। तो कई बार जब हम सोचते हैं कि इसकी पोजिशन गड़बड़ ना हो जाए, तब हम लिंकिंग का ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो अभी लिंक को मैं अनलिंक कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ से क्लिक किया ऐसे अनलिंक हो गया, देखो यहाँ पर अनलिंक हो गया। तो देखो यहाँ ये वाले मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं। इसके अलावा देखिए लेयर पैनल में और ऑप्शन है, जो लॉकिंग सिस्टम है, फिल क्या होता है, ओपेसिटी क्या होता है, यहाँ पर ब्लेंड मोड क्या होता है, और इसके अलावा देखो फाइंड कैसे करते हैं। तो भाई ये सब चीजें मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी ट्यूटोरियल में करवाता हूँ तो ये बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो भाई ये था लेयर पैनल का पार्ट वन, और मिलते हैं पार्ट सेकंड में। तो गाइस कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।